टुडेज आवर टॉपिक इज हाउ टू मेक राखी। बच्चों आज हम बनाना सीखेंगे राखी। जिस प्रकार प्रकृति इस दुनिया में सभी तरह के जीव जंतु, पानी है, पेड़ पौधे हैं, उनकी सुरक्षा करती है, इसी तरह जो ये राखी का त्यौहार है उसी तरीके का ही है कि जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो उस समय वो उसकी सुरक्षा का वादा करता है, तो उसी तरह एमएलपी का रिश्ता भी आप लोगों से कुछ इस तरह का ही है। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास यहाँ पे है सीजर, फेविकोल और ये कलावा। राखी में कलावा बहुत शुभ होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले इस कलावे को कलाई पे बांधा जाता है। और घर में मेरे यहाँ पे जो चने की दाल है और ये राइस है, तो अब हम इनसे राखी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने रिबन्स लिए हैं इस तरीके के, और इनके कलर्स देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। और सबसे पहले हम इनको फ्रिल में ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। मेरे पास यहाँ पे बुकरम है जो मैंने राउंड शेप में कट कर ली है, और मेरे पास जो ऑरेंज और वाइट और ग्रीन कलर के रिबन हैं, अब मैं इनको इस तरीके से फोल्ड करूँगी। ये देखिए मैंने फोल्ड कर दी ऐसे, मैं राउंड शेप में इसको ऐसे करूँगी। और ये देखिए मैंने कर लिया है, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का रिबन लिया है और फिर उसके बाद में वाइट कलर का रिबन लिया है। अब मैं ग्रीन कलर के रिबन का इसमें यूज करूंगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फेविकोल लगाऊंगी और इसको पेस्ट कर दूंगी। और मेरे पास यहाँ पे एक मेरे पास फैब्रिक रखा हुआ था, तो उसकी अंदर ये स्टोन थे जो मैंने इनकी सीजर की हेल्प से कट कर लिया था, तो अब मैं उसको पेस्ट करके इधर सेंटर में पेस्ट कर दिया है। अब एक इस साइज का रिबन, सॉरी बुकरम कट करना है और उसके ऊपर फेविकोल लगा के, और जो कलावा है आपका ये देखिए, और इसको इस तरीके से सेंटर से इसको पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया है और अब मैं इसको सेंटर से पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए ये मेरी एक राखी बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम दूसरी राखी सीखते हैं। तो उसके लिए ये फिर से मैंने बुकरम को राउंड शेप में कट किया है और अब मैं इसके ऊपर फेविकोल लगाऊंगी। इसको अच्छे से पेस्ट कर दूंगी पूरी बुकरम के ऊपर। पेस्ट कर लिए है और उसी तरह के पेस्ट जो है मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इसको राउंड में पेस्ट करूंगी। और ये देखिए मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मैंने कट कर लिए थे फैब्रिक में से, और मैं इसको चारों तरफ इसके पेस्ट कर दूंगी। मैंने चारों तरफ इसके पेस्ट कर दिया है। अब जो इसमें स्पेस बचा है, अब इधर मैं फेविकोल लगा के दोबारा से और ये राइस से डेकोरेशन करूंगी इस तरीके से। इससे क्या है कि जो बुकरम का पार्ट है वो दिखेगा नहीं और जो राइस से बहुत अच्छी डेकोरेट हो जाएगी। तो अब मैंने इसमें जो पहले इसमें दिखाया था उसी तरीके से इसको रेडी कर लेना है और फेविकोल की हेल्प से इसको
केयरफुली ऊपर की तरफ उठाना है, ये देखिए ये मैंने चिपका लिया है हल्के हाथों से, और ये हमारी जो है दूसरी राखी तैयार है। तो थैंक यू।